नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड में अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के साथ थिएटर्स फिर से खुलने जा रहे हैं। एक बार फिर दर्शक फिल्मों का मजा थिएटर्स में उठा पाएंगे। अब धीरे धीरे बाकी फिल्म मेकर्स भी अपनी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान कर रहे हैं। जहां बेल बॉटम 19 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक देगी, वहीं अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे 27 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही। इसी बीच ऋतिक और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर के रिलीज डेट का ऐलान भी हो गया। ये फिल्म 2023 में रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी, जिसका ऑफिशियल ऐलान हो गया। वही बॉलीवुड के गलियारों में साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही। काफी दिनों से इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही। कभी कहा जा रहा है कि ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी, तो कभी कहा गया ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। इसी बीच अब खबरें आ रही हैं कि KGF 2 के फैंस को इस फिल्म का थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सुनने में आ रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को 2023 के रिपब्लिक डे पर रिलीज कर सकते हैं। दरअसल KGF 2 के मेकर्स चाहते हैं कि जब तक कोरोना का कहर खत्म नहीं हो जाता, तब तक KGF 2 को थिएटर्स में रिलीज करना बेवकूफी। अगर हालात पहले ही एकदम ठीक हो गए तो इसकी रिलीज डेट को प्रीपोन भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसे 2023 के रिपब्लिक डे पर रिलीज करने की प्लानिंग। अगर ऐसा होता है तो बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक और यश के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों ही फिल्में बिग बजट होने वाली हैं। जहां KGF के पहले पार्ट के बाद यश की पॉपुलैरिटी दुगनी हो गई, वहीं ऋतिक भी वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर हर किसी के फेवरेट बन गए। ऐसे में KGF 2 वर्सेस फाइटर की टक्कर मेकर्स को भारी पड़ सकती। बता दें कि दोनों ही फिल्में एक्शन से भरपूर होने वाली। फाइटर भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म होगी। ऐसे में दोनों ही फिल्मों की डिमांड दर्शकों में खूब ज्यादा। खैर, फिलहाल इन फिल्मों की रिलीज में काफी वक्त है, क्या पता ये क्लैश आने वाले दिनों में टल जाए। वैसे आपको क्या लगता है, ऋतिक और यश के बीच अगर टक्कर हुई तो कौन मारेगा बॉक्स ऑफिस पर बाजी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।